हैं और जो और लोग हैं वो भी इनते देख के इस चीज़ से प्रोत्साहित होंगे और भी जगह ये काम होंगे। एटीट्यूड और ईगो पे की बात करना चाहूँगा, बस करके देख लो भगवान काट देगा, सबकी लकड़ी है। बाकी बढ़िया पहली है सर्दी का मजूता बटन की, इससे बड़ी खुशी की बात न मैं जाहिर कर सकूँ और एक नंबर को काम करा पल। योगेंद्र भाई को मैं काफ़ी साल से जानता हूँ और सिर्फ एक ये प्रयास नहीं, कुछ भी जब किसी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है ना, चाहे को फोन पे हो चाहे शाम हो चाहे इसने वैसे सुन जाओगे तो ये पहुँच जाओ खुद की मन्ना। यो भगवान ने इतना दिया है तो आज मैं पहले मतलब मेरे में ये टाइम बुरा टाइम था आया और ये मैं अच्छे टाइम में हूँ, तो आदमी का अपनी संतुष्टि के लिए आदमी ये करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों हर किसी के पास दिल जरूर होता है, लेकिन लोग अपने दिल या जो उनका सोच होती है उसको अलग दिशाओं में ढाल लेते हैं। कोई क्रिमिनल बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, तो कोई राजा या मंत्री बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दानी बन जाते हैं जो कि समाज में पहचाने जाते हैं हरिश्चंद्र के रूप में। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पेशली जोगिंदर पहलवान जो कि चर्चाओं में है और चर्चाओं का विषय ये है कि पिछले चार सालों से वो चार वर्षों से इस स्कूल में आते हैं। वो भी बचपन में इस स्कूल में जब आया करते तो नंगे पाँव या फिर सर्दियों में जब आया करते तो उनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं हुआ करते, ऐसे परिवार से आते थे वो। लेकिन आज वो स्पेशली 700 से 800 बच्चों का यहाँ पर है जो गैदरिंग है, इन बच्चों में स्पेशली सर्दियाँ आने वाली हैं तो जूते यहाँ पर वो डोनेट करने वाले हैं और चुप गुपचुप तरीके से करने वाले थे, लेकिन हम लोग पहुँच गए तो उनसे चर्चा करेंगे। और हरियाणवी क्रीम यहाँ पर बैठी, आप देख लें जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, बड़े बड़े स्टार हैं हमारे साथ मौजूद। तो जोगिंदर भाई एक बार थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, बच्चे आपको ढंग से देख पाएंगे। जोगिंदर भाई कभी जैसे मैं आपसे चर्चाएं करता हूं, कभी आप खुद जूते पहन के नहीं आ सकते थे, इतनी स्थिति नहीं हुआ करती आपके परिवार की, चप्पलों में ही आप सर्दियां निकाल लिया करते, आज इन बच्चों का दर्द दिखा। तो पिछले चार वर्षों से आप इनके बीच आते हैं, हर साल इतना बड़ा खर्चा उठाते हैं, क्या कारण पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी? खर्चा तो क्या जी, बस जैसे बचपन में थे तो वो ही दोबारा बात दोहर आई और इतने इस लायक कुछ नहीं है जी कि हम दे सकें उनको, तो जैसा बनता वैसा करते हैं जी। कैसे मन बना कि स्कूल में जाऊं वापस, क्योंकि दिल्ली रहते हैं, दिल्ली कारोबार है, फिर स्कूल ही इन बच्चों के साथ जुड़ाव, हर वर्ष सर्दियों में आ जाते हैं? मैं यहाँ जैसे पढ़ाई करता था तो तब भी मैं चप्पलों में आता था, तो ये लगा लो 90% बच्चे चप्पल में ही आते थे, इतना वो नहीं होता था लोगों का अग भाई हम इनको जूते ले लें या खरीद सकें, ऐसे इतना भी नहीं होता था। गाँव में बहुत नाजुक स्थिति होती है बच्चों की और एक संतुष्टि होती है, खुशी मिलती है इन चीज़ों से और करना चाहिए काम। इसी गांव से आप? ये गांव से जी। क्या कहेंगे आपके बच्चे ने, आप अंकल हैं इनके, ऐसी सोच रखी कुछ? सोच रखी हमारे को बहुत अच्छा लगा, इसमें हमारी भी शान है, पूरे गांव की शान है, पूरे इस धरती माता की शान है। हरियाणवी सुपरस्टार राजू पंजाबी, देसी देसी ना बोला कर आपने बच्चों को कहा, लेकिन ये देसी आज दिल्ली रह के और देसी लोगों की, देसी अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, जितनी मदद बन पा रही है कर रहा है, क्या कहेंगे इनके बारे में आपके साथ? जोगिंदर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आदमी जब मतलब ऐसी कोशिश करता है, जब उसने ऐसी स्थिति देखी हो है ना, तो भाई ने ऐसी मुश्किल घड़ी देख रखी है, भाई में यो टाइम बीतता है तो प्राउड फील होता है, खुद की संतुष्टि होती है आदमी की यार की मन्ना, यो भगवान ने इतना दिया है तो आज मैं पहले मतलब मेरे में ये टाइम बुरा टाइम था आया और ये मैं अच्छे टाइम में हूँ, तो आदमी का अपनी संतुष्टि के लिए आदमी ये करता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे ही समाज सेवा करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें भाई। केड़े भाई वैसे तो सोशल मैसेज के भी गाने रहते हैं, गुंडागर्दी खूब मचाते हो आप लोग जब होते हो ऑन स्क्रीन, लेकिन आज बच्चों के बीच में और जोगिंदर का प्रयास किस प्रकार से देख? भाई जोगिंदर भाई को मैं काफ़ी साल से जानता हूँ और सिर्फ एक ये प्रयास नहीं, कुछ भी जब किसी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है ना, चाहे को फोन पे हो चाहे शाम हो चाहे इसने वैसे सुन जाओगे तो ये पहुंच जाओ खुद है। और मैं इतना कहूँगा भगवान इसने दे रहा है, आगे दे रहा है। देखो जो चीज़ ये बालकन देगा वो तो कई बार साल दो साल बाद बच्चों के पास ना रहे, लेकिन जो मैसेज बच्चों को आज मिलेगा ना कि हमने कुछ भी जिंदगी में करें पाछे यो काम करना है ताकि हम किसी का काम आ सके, वो सोच हमेशा इन बच्चों के दिमाग में रहेगी, ये बहुत बड़ा काम जोगिंदर भाई करने लग रहे हैं अपने गाँव में। धन्यवाद करना चाहूँगा। एक गाना था देसी देसी ना बोला कर, आपका कॉम्बाइन था वैसे तो, लेकिन उसमें आपने अपनी स्थिति बताई है और हर चाहे कलाकार की बात कर लें, धरातल से जो उठ के आता है उसकी कंडीशन सेम जोगिंदर जैसी होती है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा ईगो या एटीट्यूड में आ जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं जहाँ से उठ के आए हैं। तो कैसे महसूस करना चाहिए, कैसे उस खुशबू के साथ जुड़े रहना चाहिए जहाँ से आप उठ के आए हैं?
एटीट्यूड और ईगो पे की बात करना चाहूँगा, मैं करके देख लो भगवान काट देगा, सबकी लकड़ी है, मरोड़ तो मेरे ख्याल से किसी की नहीं रही। और जो कलाकार होते वो कोई दूसरे ग्रह थे तो आते नहीं, कोई एलियंस नहीं, भाई कोई तो मंगल ग्रह पर हुए, ये धरती पर हुए, वो रोटी ये खाऊँ, वो रोटी हम लोग खाए हैं। ठीक है भाई, आप कुछ भी अगर कहीं पहुंच जाते हो आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत ताजी होकर आया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए आप सब ने छोटा महसूस करो या छोटा दिखाओ, सब बराबर हैं। और जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं वो आपके लिए भगवान है, वो गाने सुन रहे तो आज आप चल रहे हो, तो कहीं भी ऐसी एटीट्यूड और ईगो की बात नहीं आनी चाहिए। खासा वाला चाहर कहूँ या अभिषेक, अभी ही आपका नाम लीक कर दिया है आज, और इतने सिंपल लिविंग आप जिस प्रकार से घर में रहते हैं, मेरे हिसाब से उठ के वैसे ही लोगों के बीच चले जाते हैं। गाने में अलग वो होता है, कास्टिंग डायरेक्टर जो आपका कास्टिंग कोच होता है, वो कोच होता है, वो अलग ड्रेस पहना देते हैं। कैसे समझते हैं आप जोगिंदर ने छोटी सी शुरुआत की इनके बारे में? भाई ने ना बहुत अच्छा काम करा है, और हैं और जो और लोग हैं वो भी इनते देख के इस चीज़ से प्रोत्साहित होंगे, और भी जगह ये काम होंगे, तो भाई ने बहुत अच्छा काम करा है। ये जोगिंदर के साथ पहले से जुड़े हैं क्या, ये सामाजिक या सोशल कोच जो इनके होते हैं करते रहते हैं? भाई को मैं 3-4 महीनों से जानता हूँ वैसे तो अभी, पर उनसे मिल के अच्छा लगा, दो तीन बार हम मिले हैं, तो बस इसी यही। कालू कुडल प्रमुख समाज सेवी कहूँ क्या कहूँ आपको, और यहाँ तक आपकी डिमांड है, हम सोनीपत के आसपास आ जाते हैं, यहाँ तक आपकी चर्चाएं हैं, और चर्चाओं में आज के दिन इस गांव का सावन पुटी गांव में खड़े हैं जोगिंदर पहलवान है, बच्चों के लिए सर्दियाँ आने वाली, इतना अच्छा प्रयास क्या कहें भाई? सबसे पहले जोगिंदर भाई को धन्यवाद करा, जो कि जोगिंदर भाई ने आड़े सारा कलाकार साथी रे ये भाई युवा बुला के नाड़े, और एक बढ़िया पहल करा कि अपना गांव का सरकारी स्कूल का सरकारी शायद प्राइवेट नूमन बेरो नहीं भाई, बाकी बढ़िया पहल या सर्दी का मजूता बटन की, इससे बड़ी खुशी की बात ना मैं जाहिर कर सकूँ, और एक नंबर को काम करा पहलवान जी, बस ये मेरा तो ये कहना है भाई, और लगातार ये कर दो रहा है भाई। क्या कहेंगे भाई इनके? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, और ये पहली इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि देखो हर गांव के अंदर हर इंसान के पास पैसा है, थोड़ी बहुत अपने गांव के अंदर भाई जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद होनी चाहिए, और ये बहुत बढ़िया पहल कर रखी है भाई ने, और सारे कलाकार भाइयों को बुला रखा है, ये बहुत अच्छी नई पहल है भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। हमारे साथ सावन पुठी गाँव में खड़े हैं और स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, इस प्रकार से एक ग्रामीण के द्वारा बच्चों के प्रति सोचना गाँव से बाहर जाके किस प्रकार से देखते हैं? सर ये जोगिंदर जी हैं, ये हमारे गांव से ही रहे हैं, गांव से ही हैं, इसी स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और इन्हीं के सौजन्य से इतना बड़ा प्रोग्राम संभव हो पाया है, और इनका हम स्कूल के स्टाफ की तरफ से भी बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी इस तरह का प्रोग्राम भी आयोजित करेंगे। स्कूल को वैसे तो बाद में सरकारों ने चलाना शुरू कर दिया, सरकार ने, उससे पहले गांव के लोग ही बिल्डिंग बनवाया करते थे, गांव या कोई बड़े सेठ हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, वही चलाया करते थे। क्या सच में जरूरत है एक स्कूल को, जैसे हम देख पा रहे हैं स्कूल को, आप दिखा भी दें प्रदीप एक बार, दिखाएं यहाँ का एटमॉस्फेयर जिस प्रकार से है, आपने जिस प्रकार से तैयार किया है इसको, गाँव वाले गाँव के सरपंच हैं या गाँव के जो लोग हैं वो सुधार करें तो गाँव का स्कूल प्राइवेट स्कूल को भी मात दे सकते। डेफिनेटली सर, ये 2 साल पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, और ये बिल्डिंग ज़रूर पहले गांव ने बिल्डिंग दी हुई थी, लेकिन वो बिल्डिंग पुराने होने के कारण वो गिरा दी गई थी, और ये नई बिल्डिंग गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 2 साल में खड़ा किया गया है, और ये गांव ने चंदा कर करके यहाँ पे पेंट करवाया है और मिट्टी डलवाई है, और ये आज स्कूल देख रहे हैं, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं उन्होंने, और स्टाफ ने भी बहुत योगदान किया है इसमें। स्पेशली बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद, और इन बच्चों ने यहाँ स्पेशली आज बड़े अच्छे अच्छे जो जूते हैं उनको जी, आज ये केडी वगैरह सारे कलाकार आए हैं, क्या कहोगे सारे लोग कितना एंजॉय कर रहे हो इस प्रोग्राम? बहुत सर, बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर, हमारा सपना भी इनके साथ सॉन्ग करें। अच्छा बात कर रहे हैं हम, आपके गाँव के हैं जोगिंदर पहलवान, जानते हो पहले से? नो सर। आज आपके गाँव के लोग हैं आपके साथ आए, और वो जूता छुपा रही है, गिफ्ट कहेंगे, क्योंकि जोगिंदर इसको दान के रूप में नहीं समझ रहे, अपनी बहनों को अपने भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं दीपावली का गिफ्ट मान के, तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब आप दिखा दें एक बार मेरे को, कितना अच्छा जूता है ये, और स्पेशली देखिए ये जो स्पेशल ये लेके आए हैं दिल से, सारे बच्चे खुश हो? बहुत सर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्या जिन बच्चों को सर्दियों में भी जूते मिल ही नहीं पाते थे इससे पहले, ऐसे बच्चे भी आते होंगे 10-20 लोग? यस सर, आते हैं।
सर्दियाँ बड़ी मुश्किल से कटती होंगी उनके। ना जी इतनी तुम कोने कटती जी, इतना झूठ। बच्चे मन के सच्चे हैं। वैसे कुछ बच्चे जरूरतमंद रियल में ही होते हैं, रियलिटी में ही होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 के आसपास बच्चे मेरे हिसाब से रहे होंगे। मैं एक बार जोगिंद्र भाई से दोबारा जान लेता हूँ। जोगिंद्र भाई, टोटली कितने बच्चों के लिए तैयारियाँ की? और बड़ी बात हो जाती है, किसी बच्चे का एक नंबर होता है, किसी का 10, तो कैसे एडजस्ट किया आप? तो मैंने प्रिंसिपल साहब को पहले पूछ लिया था, तो प्रिंसिपल साहब ने सबके शूज बच्चों के नंबर वाइज मेरे को लिस्ट बना के दे दी थी सबको। अगर भाई इस बच्चों को इस नंबर के हैं, दो नंबर के इतने बच्चे हैं, तीन नंबर के इतने बच्चे, तो इस तरह से तरीके से किया सर। कितने बच्चे रहे होंगे टोटल? 800 के करीब बच्चे हैं जी। हाँ जी, 800 बड़ी मात्रा हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है एक आम आदमी के लिए। लेकिन प्रयास कर रहे हैं जोगिंद्र पहलवान और छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको मिला या बाद में मिलेगा आपको भी जूता? केडी को जानते हो आप? सुना है केडी का गाना? नहीं सुना। चलिए, बच्चे हैं और मन के सच्चे होते हैं। मैडम क्या कहेंगे इस प्रकार से? गाँव का है ये कि युवा बाहर जाके गांव के बच्चों के बारे में सोच रहा है, उनके लिए कुछ स्पेशली दीपावली गिफ्ट कहें या सर्दियों के लिए स्पेशल लेके? सर ये है कि सर ने बहुत अच्छा काम किया है, सोशल वर्क है, सबको करना चाहिए। और आई थिंक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर आप काम कर रहे हो तो उससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। तो थैंक यू सर को। ओके, और स्पेशली क्या मौजूद हैं और दूसरे स्टाफ मेंबर, आप क्या पढ़ाती हैं? जी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं। लेकिन जोगिंदर जैसा है कि इनमें से ही एक ऐसा स्टूडेंट निकल के गया गांव से बाहर कि आज गांव के बच्चों के लिए और गांव के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सोच रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? और बच्चों को आप ये चीज़ें भी इंग्लिश के साथ साथ सिखाती रहती हैं ये संस्कार, या बड़े होके कामयाब होके आपको कैसे? ये जोगिंदर सर की जो निष्ठा है, और हमारे बच्चे भी सभी ऐसे ही निष्ठावान बने, हम यही चाहेंगे जी। जी हाँ जी। मैडम क्या पढ़ाती? मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। संस्कृत पढ़ाती हैं, संस्कार सिखा पाती हैं बच्चों को, और संस्कार ही कहीं ना कहीं जोगिंद्र के काम आ रहे हैं आप जैसे टीचर ने दिए। हम अच्छे संस्कार देते थे बच्चों को, माँ बाप का कहना मानना चाहिए भाई, मतलब अपना जो हिसाब किताब है घर का या बाहर का जो भी है अपना ठीक रखना चाहिए। तो इनके प्रयास के बारे में क्या कहेंगे बच्चों? बच्चों के प्रयास के बारे में जोगिंद्र ने जो किया बच्चों के, तो हम चाहते हैं जी इसी तरह बच्चे भी प्रयास करें हैं और आगे बढ़ें। हाँ। देखिए कितने बच्चे हैं उम्मीदों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और स्पेशली कुछ महिलाएं हैं इस गांव की, और देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप दिखा दें प्रदीप जी, सभी आप गांव से ही हो ताई जी? हाँ जी। जोगिंदर को जानते हो आप पहले से? पहली बार नाम? जोगिंदर किसका है? जोगिंदर जो पहलवान यहाँ पे स्पेशली ये कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों के लिए जूते गिफ्ट लेके आए हैं जोगिंदर ने। आप केडी को देख रहे हैं? ना जी, मैं तो नीनू सिंधड़ की मम्मी हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, नीनू सिंधड़ की मम्मी हैं ये जो का? कई साल में अपना मायका हूँ, नीनू सिंधड़ का या नानका है। अच्छा। और तो ये गांव वाला ये रवे ये पता लगाओ भी उस न जान है कि नहीं जान दे। ये आर यू केडी? तो देखिए केडी दनोदा से है, आप सबकी चिट्ठी पत्री जानती है कौन कहाँ से? जानते हैं जी, हमारे गांव पर गांव में आता है, आप जाके बातें तो करिए, नीनू सिंधड़ की मम्मी है। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं मेरे हिसाब से, लेकिन कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको लगातार दिखा रहा था किस प्रकार से है, यहाँ पर भीड़ के रूप में बच्चे मौजूद हैं जो हमेशा ही आते हैं, लेकिन आज का दिन स्पेशल होने वाला है इनके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में और बॉलीवुड में भी अपनी पेशगी देने वाले हरियाणवी सुपरस्टार जो कि हरियाणा की शान है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जोगिंदर पहलवान गाँव का एक युवा लड़का जो कि दिल्ली में रह के गाँव के बच्चों के बारे में, अपने गाँव वालों के बारे में सोचता है, उसके प्रयास के बारे में आप अपना कमेंट में राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।